नमस्ते प्रणाम, हम हैं नया गांव के राजापुर में और राजापुर में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी के दिए बनाने वाले की क्या कहानी है, एक दिया बनने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है और तब जाके मिट्टी के दिए तैयार होता है और दीपावली के दिन हम उसे तेल घी या फिर उसमें रुई डाल के और दिए को जलाते हैं। हम उसकी कहानी आपको एक मिट्टी को दिया बनने तक के पूरी कहानी को लेकर चलेंगे और हम उपस्थित हैं वहाँ जहाँ पे लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं अपने पूरे परिवार की मेहनत लगा के और तब एक साल का त्यौहार दीपावली में मिट्टी के दिए तैयार करते हैं। दीपों का त्यौहार दिवाली आते ही हमारे घरों में साफ सफाई और दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाने का जो परंपरा हमारे सनातनी धर्म में माना गया है और देखा गया है, ये उसकी फैक्ट्री मानिए जहाँ पे एक विशेष जाति कुम्हार लोग अपने घरों में अपने आसपास में के इलाकों में घर के आसपास के इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो आप बर्तन देख रहे हैं ये है बच्चों के खेलने का, जिसको कुल्हिया चुकिया कहते हैं, जबकि दीपावली के दिन मिठाई फरही बुंदिया ये सब डाल के और इसमें बच्चे लड़कियां विशेष करके लड़कियां महिलाएं अपने भाइयों के लिए अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए इसमें मिठाई भर के और वो एक पूजा करती हैं लक्ष्मी गणेश की और उसमें अपने परिजनों को मिठाई देती हैं और दिया जला के उस दिन दीपावली भी मनाया जाता है और दीपों का त्यौहार इसलिए दिया और इस बार भी मिट्टी के दिए जलाने का लोगों ने ठान रखा है क्योंकि चाइनीज जो भी प्रोडक्ट है उसको जिस मिट्टी को खरीद के लाया जाता है और खरीद के लाने से इस चलनी से चाल कर बनाया जाता है। हाँ बताइए मिट्टी आके एक ऐसे चाली ला ये मिट्टी के फुला के एक ऐसे चाल के अच्छा अच्छा ये सब चालल बा आई देखिए ये मिट्टी और इसको गीला किया गया है। ये मिट्टी तैयार हो गई बा दिया बने खातिर अब कट पत्थर में जे रही से निकाल लें घास पत्थर कुछ भी हो जैसे चाल चुल के सब निकाल लें उनका बढ़िया बना लें ताकि बर्तन बने तो चाहे दिया बने तो उसमें छेद नहीं होके जब आग पे चढ़ा हम तो छेद होके देखिए कितना मेहनत है उसमें एक भी कंकड़ नहीं रहना चाहिए एक भी मिट्टी का केवल बोर रहना चाहिए। वहाँ से मिट्टी उसमें से ला के और तब चाक पे रख के और मिट्टी के बर्तन दिए बनाए जाते हैं। देखिए उसके बाद भी उस मिट्टी को फिर से अपने हाथ की जादुई कारीगरी करना इनका मुख्य पेशा है। मिट्टी के तैयार होने के बाद भी उसमें अपनी जादुई कलाकारी अपने हाथों से उस मिट्टी को फिर से बढ़िया ढंग से तैयार किया जाता है ताकि इसमें एक भी कंकड़ पत्थर न रह पाए घास फूस कि वो जब आग में जाए तो उसमें छिद्र हो जाए। इसके लिए देखिए इतनी मेहनत की करने के बावजूद भी तब जाके कहीं मिट्टी के दिए चाक पे जाता है और ये मिट्टी चाक पे जाने के लिए तैयार जो आदि पुराने कालों से चलता आ रहा है इस पर बैठ कर और तब बनाया जाता है मिट्टी के किसी भी प्रकार के बर्तन दिए एवं घड़ा मटका जो भी है। देखिए ये मशीन चलने को तैयार है, चलाने का भी एक अपना तरीका है, एक लकड़ी के सहारे इस बड़े से चाक को घुमाया और चलाया जाता है और जब ये अपनी स्पीड में होता है तब इसके बीच में पानी से भिंगा कर और तब इस मिट्टी को उस पर रखा जाता है। इस मिट्टी पे हाथों की कारीगरी और अपना मेहनत लगाकर मिट्टी के दिए और बर्तन बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब खेल मिट्टी का ही है जिससे दिया देखिए ये अभी गोल दिया हो गया। अब इसके मुंह को देखिए कैसे कितनी आसानी से उसके मुख को दिए की तरफ एक रूप ढाल दिया गया। अब मैं बातें करूंगा
ये कब से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, कितना मेहनत लगता है और कितना कमा पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण पंडित। हरिनारायण पंडित जी, ये बताइए कि ये काम जो है आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 8 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं। आपका उम्र अभी कितना हुआ? 52 वर्ष। 52 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष की उम्र से आप इस चीज की कारीगरी करते आ रहे हैं। कितना मेहनत है और कितना आपको मेहनताना मिल पाता होगा? मेहनताना नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरा कुछ कले नहीं। अच्छा, ये कलाकारी आपके पास है, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसी के सहारे आप अपना घर परिवार चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का 2 है, लड़की 3 था। शादी विवाह जैसे अपना कमाई से करके उस सबको अपना शादी विवाह कर दिए। अच्छा बताइए कि मिट्टी कहाँ से लाते हैं और मिट्टी का क्या है, दिया बनने में कितना योगदान है? मिट्टी जो है कि चौंर से बहुत दूर से लाना पड़ता है, टेलर से खरीदते हैं। अच्छा अच्छा, 1200 रुपये टेलर। 1200 रुपये, 1000 रुपये टेलर आप खरीदते हैं और उसके बाद कलमी से चाल कर, हाँ, थोड़ा थोड़ा फुला कर, हाँ, कलमी से चाल कर उसके बाद में शांत है। अच्छा, उसके बाद में बोली जाते हैं, हाँ, तब जो करते हैं। अच्छा, क्या अभी जो आप जो दिया बना रहे हैं इस साइज के दिए का क्या रेट है मार्केट में और कितना विश्वास से बनाते हैं और कितना बिक जाता है? दीपावली के समय दियों को तब बहुत महत्व है, कितना बिक पाता है और कितना आपका बच जाता होगा, क्या ऐसा कुछ कहानी बताइए? कोई अनुमान नहीं है, लोग सस्ता रेट में खोजते हैं, लेकिन जिसे कम से कम आदमी को आधा जो है कि पकाने में खर्चा है, फूटता है तो जबे करता है, 2 रुपये इसका रेट है। अच्छा, 2 रुपये का एक। हाँ, और छोटा वाला जो दिया है जो ये आप बना के पहले से रखे हुए, हाँ, ये दिया, हाँ, इसका भी क्या रेट रहता है? इसका 100 का रेट, 80 का रेट लगता है। 100 रुपये का 100, हाँ, या 80 रुपये का 100। और कितना दिया आप बना लेते हैं दीपावली को लेकर के? दिया पहले बनाते थे, लेकिन अब जो है कि उतना नहीं बन पाता है, 500-600। हाँ, तो जैसे 500-600 बन जाता है। अब उसको कितना दिन लगता है एक दिया को मिट्टी से दिया बनने में? आपकी इस मिट्टी से और इस दिया में परिवर्तित होने में कितना टाइम लगता है, कितना दिन और कितने प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसको क्या क्या करते हैं बताइए? जैसे कि दिया थोड़ा सा लगाइएगा, ज़्यादा खर्चा होगा, 5,000-10,000 मतलब इसको मिट्टी बनाइए, फिर सुखाइएगा, हाँ, सुखाने के बाद फिर इसको आग पे पकाइएगा, हाँ, और पकाने के बाद तब उसमें से कुछ टूटेगा, कुछ फटेगा, कुछ जलेगा, हाँ, जो बचेगा उसको लेकर बाजार में जाते हैं बेचने के लिए। किस चीज़ पे लेके जाते हैं, माथे पे लेके जाते हैं कि ठेला वाला पे लेके जाते हैं? ठेला पे नहीं लेके जाते हैं, सर पे लेके जाते हैं, बाजार में रख के बेचते हैं। कुछ बिकता है, कुछ नहीं भी बिकता होगा। तो आप लोगों से क्या कहेंगे कि मिट्टी के दिए जलाएं ताकि आपका घर परिवार चले, और दीपावली में दिए जलाना चाहिए तो चाइनीज लड़ी जलाना चाहिए कि दिया जलाएं, आप लोगों से क्या कहेंगे बताइए? लोगों से अपील यही करेंगे कि लोग दिया जलाएं। अच्छा, मिट्टी का हुमदानी, मिट्टी का हर वो चीज बनता है, बस लोग उसको प्रयोग करने के लिए, देखिए पूजा करने के लिए। अच्छा, ये करवा चौथ का बर्तन, और ये देखिए मिट्टी का हुमदानी है, ये कितने का मिलता है? अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए अलग अलग वो हाथी घोड़ा भी बनाए हैं, वो छठ में चलता है क्या? शादी वाला बात। अच्छा, ये अच्छा छठ वाला उधर है, देखिए छठ में भी मिट्टी के जो कोसी बोलते हैं ना उसको, उसमें
देखिए ये पिछले साल का बचा हुआ है। हाँ फिर रंगाई पोताई होगा और तब जाके फिर बाजार में छठ के दिन बिकेगा। देखिए देखिए कितनी बड़ी बढ़िया से सजाया हुआ है ये। इसमें 9 गो ढकनी लगेगा। 9 गो ढकनी। अच्छा लगे 9 गो। 9 गो ढकनी के साथ 9 दियरी, तब ये हाथी उसके ऊपर का चुक्का और तब ऊपर का ऊ दिया। इतना पूरा सेट लगाना पड़ता है। देखिए संस्कृति और समाज को बचाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लेके चलेंगे मिट्टी के दिया के निर्माण करता एक निर्माणधीन व्यक्ति के पास, जो कि मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए बनाने में अपना योगदान 8 साल से आज 55 तक इनका उम्र है और अपना योगदान ये दे रहे हैं। और इनके साथ अभी हम हैं, ये अपने पूरे परिवार के साथ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हमारी सबसे अपील है कि इस बार भी आप मिट्टी के दिए ही जलाएं और मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करें ताकि इनका घर परिवार चल सके, हमारी संस्कृति की जो सभ्यता है उसको बरकरार रखा जाए। जय हिंद।